नाज़रीन आदाब, लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम हेलो डीडी का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेज़बान तबरेज़ मदनी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर हफ्ते हम डिफरेंट मौजूज़ पे बात करते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं बात करने के लिए, और मुख्तलिफ शख्सियात होती हैं जिनको हम अपने स्टूडियो में मधु करते हैं। आज जिस शख्सियत को हमने अपने स्टूडियो में मधु किया है, इनका ताल्लुक RNP से है। जी हाँ, आज हमने स्टूडियो में मधु किया है चीफ इंजीनियर RNP कश्मीर जनाब शौकत जिलानी पंडित साहब को। शौकत साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया। शौकत साहब, मुख्तसरन पहले जानना चाहेंगे कि RNB ये डिपार्टमेंट का डोमेन क्या क्या है, किस चीज़ के साथ डील करती है RNB? RNB का जैसे ये है रोड्स एंड बिल्डिंग्स, ब्रिजेस है, बिल्डिंग्स है जी, तो ये सारी चीज़ें जो है हम RNB से करते हैं। बिल्डिंग्स और ब्रिजेस का तो समझ आता है, रोड्स जो हैं, कौन सी रोड्स RNB देखता है? डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में जो रोड्स हैं जो 5.5 मीटर से नीचे हैं जी, रोड दे आर हैव बीन ऑल ट्रांसफर टू श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और ये उनका डोमेन है कि जो भी 5.5 मीटर विड्थ से कम रोड्स हैं वो SMC करेगी जी। जो ये लास्ट ईयर ऑर्डर हुआ था आफ्टर द 74th अमेंडमेंट के बाद कि जो भी रोड 5.5 मीटर से कम है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में दोज हैव टू बी डन बाय श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जी। अगर आप श्रीनगर के बाहर की बात, बाकी जो श्रीनगर के बाहर वाली रोड्स है एक्सेप्ट फॉर नेशनल हाईवे जो है या कुछ रोड्स बीकन के पास है, कुछ NHIDCL के पास है, बाकी रेस्ट ऑफ द रोड्स PMGS कुछ रोड्स करता है तो बाकी जो है वो RNB देखता है जी। सबसे पहला मसला जो है, अगर हम सड़कों की बात करें, हमारे यहाँ जो सड़कें बनती हैं वो ज़्यादातर टिक नहीं पाती है, ये आम एक लोगों का कॉन्सेप्ट है, इस पर आप कैसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये इस तरह है जी कि एक मैं पहले थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड दूंगा कि एक रोड होती है इसका एक रिन्यूअल कोड का एक लाइफ स्पैन होता है जी, तो ये बिटवीन 3 to 5 ईयर्स का डिपेंडिंग अपॉन इट्स ट्रैफिक इंटेंसिटी और इम्पोर्टेंस ऑफ द रोड, उसी पर डिपेंड करता है और PCI इंडेक्स क्या है इसका सब कुछ देखकर इसका ये एक लाइफ साइकिल होता है कि भैया आपको 5 साल में या 3 साल के बाद इसका एक रिन्यूअल कोड करना है। अनफॉर्चुनेटली चूँकि हम वी ऑलमोस्ट हैंडल अबाउट 14,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड लेंथ इन कश्मीर वैली तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हर एक रोड को रिन्यूअल कोड हर ये जो अपना टाइम में किया जाए तो हम एक जो वर्स्ट स्ट्रेचेस होते हैं या वर्स्ट जो ख़राब स्ट्रेचेस होते हैं उनको रेस्टोर करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या होता है कि 10 किलोमीटर की रोड है प्रोजेक्ट्स को छोड़ के, प्रोजेक्ट्स में जो है वी हैव टू डू द एंटायर रोड, जैसे प्रोजेक्ट्स हमारे नबार्ड का रोड हो गया या CRF का रोड हो गया तो वो तो कंप्लीट करना है और उसका एक DLP पीरियड भी होता है 3 साल का, तो उसमें 3 साल, अब नबार्ड का जो है वो 5 साल का DLP पीरियड हमने रखा है जी। तो इसी तरह CRF का जो रोड होता है वो 3 साल का DLP पीरियड है, वही कंडीशंस हमने अपने जो नॉर्मल प्रोग्राम है अपग्रेडेशन के उसमें भी हमने अब 3 साल का DLP पीरियड रखा है और वो कंट्रैक्टर जो एजेंसी जो काम करती है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस और डैमेजेस इफ एनी फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स आफ्टर ही कंप्लीट्स हिज वर्क जी। जो बड़ी रोड्स में डैमेजेस हो जाते हैं, जो आपने अभी कहा कि जो बड़ी बड़ी रोड्स हैं उसका डैमेजेस देखा जाता है 3 साल या 5 साल के आसपास में वो हो जाता है, जो बाकी छोटी रोड्स हैं 5.5 मीटर की रोड्स जहाँ पर पब्लिक की इंटरवेंशन की वजह से रोड्स ख़राब होती हैं, पब्लिक कैसे डिपार्टमेंट की मदद कर सकता है ताकि रोड्स टिके रहें? नहीं, पब्लिक की इंटरवेंशन नहीं, पब्लिक भी कुछ वजूहात से वो रोड का थोड़ा सा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज मटेरियल की डंपिंग होती है, चाहे उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ जो मटेरियल मकान बना रहा है कोई या रेनोवेशन कर रहा है कोई, उसके पास जगह नहीं होती है मटेरियल डालने की, वो भी सड़क पर ही मटेरियल, इनफैक्ट टू सम एक्सटेंट जो है
कि मोटर भी सड़क पर ही बना देते हैं लोग, फिर उसके बाद कैरी करते हैं, वो जो उससे डैमेजेस होती हैं, प्लस जो हमारी जो ये गाड़ियां धोने का एक आदत है रोड पे, वो भी एक फैक्टर है, प्लस जो हमारी ड्रेनेज में ब्लॉकेज्स होती है, ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। जो भी वेस्ट निकलता है ड्रेन में डाल देते हैं, चाहे पॉलीथीन हो या कुछ हो, तो उससे भी डैमेजेस होती है। हाँ, कुछ रोड्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, ड्रेनेज की प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, उसकी वजह से भी रोड्स की डैमेज हो जाती है। और हमारा जो रोड्स का सबग्रेड है वो भी शायद उतना अच्छा नहीं है कि ज़्यादा देर रोड टिकी रहे। इसका मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि रोड की अगर हालत ख़राब होती है उसमें पब्लिक भी साथ दे सकता है उसको जिंदा रखने के लिए थोड़ी और देर। बिल्कुल। यहाँ पर एक और सवाल मेरे जहन में, लेकिन सवाल पूछने से पहले एक कॉलर हमारे साथ, ये कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन सा, आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर विनय जनवारकर है, डिस्ट्रिक्ट बड़गांव। जी कौन सा बोल रहे हैं? बशीर अहमद भट्ट। जी बशीर साहब सवाल पूछिए। सवाल यह सर, चीफ मिनिस्टर साहब से सवाल यह है कि हमारा मसला है, हमारे जो रोड है बहुत खस्ते हो गए हैं। चार साल से हम गुजारिश कर रहे हैं आरएसबी डिपार्टमेंट बड़गांव से जी कि हमारे जो मुतालबे हैं ये हल कीजिए, जगह जगह पे खड्डे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं, हमने जो जो हमारे को बजट दिया गया और उसमें जो हमने कोशिश की कि मैक्सिमम आबादी तक ये बेनिफिट्स पहुँचे उसमें जी। तो उस हिसाब से हमने जो अपना प्लान है वो डिवाइस किया हुआ है। अब ये जिस रोड की बात कर रहे हैं वो इसमें किस हेड में है वो मुझे चेक करना पड़ेगा जी। लेकिन हमने काफ़ी एक्सटेंसिव जो इस साल का हमारा प्रोग्राम है बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो एक अच्छा खासा प्रोग्राम है, लगभग 160 किलोमीटर का मैग्नमाइजेशन का प्रोग्राम है, जिसमें से हमने अबाउट 117 वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड, तो दैट इज़ अबाउट 73% और 72% वी हैव ऑलरेडी डन। अब बड़गाम में क्या है कि रोड लेंथ बहुत ज़्यादा है और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कुछ काम कम हुआ है, तो वी हैव ट्राई टू कंपनसेट। नबार्ड की भी काफ़ी स्कीम्स हैं वहाँ पे जी। अभी लास्ट टाइम मैं यहाँ था तो एक पर्टिकुलर रोड की बात चली थी उस टाइम, वो भी हमने रेस्टोर किया जी। मैं ये चेक कराऊंगा इसका मतलब कुल मिला के 40 के आसपास किलोमीटर हैं जो अभी बड़गाम में होने बाकी जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ, ये कॉल लेते हैं। हेलो 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 जी, कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सालोरा गांधरबल से अर्ज कर रहा हूँ। कौन सा बोल रहे हैं? अब्दुल रशीद सोफी फ्रॉम सालोरा गांधरबल। जी रशीद साहब पूछिए सवाल। मैं अर्ज रहा इस बार कि असम के चीफ सर्विस फरवरी कर अच्छा कत आफिस पे तम दी रोड कह सो वो दहन पंदन वर्न मकदम त्रावन पे दिमो अद दो मगर यम सा कर अड़ी कोर मेन त्रोव राइट फ्राम गाँव मजे त्रो मेन अति अमुन तरह फिक्र अत क्या नलक पाइप त्रम पी एच सी मगर सू गई ठीक तथ कर् तमो ठीक पे मगर यमो कर् सामान वापस बाकी कहें बाक त्रोव सिमडन नॉट मैग्रम मैग्रम नहीं सिमडन त्रोवस तो मगर अड़स अड़स त्रोक नहीं मेन रोड जन मेन रोड त्रो गई पक क्या क्या वजह سٹھا سٹھا شکریہ کال کرنے باپت تے سوال کرو تو تمک جواب بوجھ تو ایشو اس کے لیے ہر ایک روڈ یونیف گشنے اکی ساتھ مکمل کی مکمل کی بالکل سو پیپل تھوڑا سا بیئر بھی کرنا پڑے گا اور جب کبھی کہیں پر کسی چیز میں رکاوٹ آ جاتی ہے جیسے انہوں نے خود کہا کہ پی ایچ ای کی وہاں سے پائپ لائن جانی تھی اس وجہ سے کام رک گیا تھا اب جب پی ایچ ای کے کام کی وجہ سے رک گیا کام पीएचई ने अपना काम मुकम्मल कर दिया लेकिन अब जब काम शुरू होना तो उसमें थोड़ा डिले तो थोड़ा डिले होगा सर। और मैं कॉलर का नाम नहीं याद रहा, अब्दुल रशीद सोफी साहब को मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने एक एडिशनल प्रोग्राम भी बना रखा है, होपफुली जो ये बात कर रहे हैं वो शायद उसमें आ जाएगा और वो जो
लेफ्ट ओवर पोर्शन है वो भी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर हमने देखा है जब सड़कें बनती हैं तो मैग्नमाइज्ड रोज के ऊपर ही दोबारा मैग्नम डाला जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी हेरिटेज प्रॉपर्टीज सिंक हो गई हैं। अब उनके घर जो हैं वो सड़कों से दो दो फीट नीचे आ गए हैं, सड़कों का पानी उनके घरों में जाता है, चाहे वो हेरिटेज प्रॉपर्टी है या एक आम इंसान का घर है। इसको लेकर आर एन बी क्या कर रही है? इसमें सर हमारे पास कई ऑप्शंस हैं जी। हम तो कोशिश करते हैं कि नॉर्मल जो जेसीबी से है थोड़ा सा उसमें स्कैरिफाई करें मटेरियल, लेकिन उतनी हद तक नहीं होता है जितनी हद तक नॉर्मली इट शुड बी डन जी। इसके लिए एक स्पेशल मशीन होती है जिसको हम मिलिंग मशीन बोलते हैं उससे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे अभी तक वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई है मशीन। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वालों ने लाई थी, कुछ उनका जो नेशनल हाईवे का काम था, हमने एक स्ट्रेच भी नहीं मैं कह सकता, एक ब्रिज का काम किया छानपुरा ब्रिज बाईपास पे, उस पर हमने वो मिलिंग मशीन का फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया गया, और उसमें जो लगभग 4-5 लेयर्स मैग्नम के डाले हुए थे वो रिमूव करके उसकी जो स्लैब है वो बाहर निकाल दी, एक्सपोज कर दी, क्योंकि उसमें कुछ वाइब्रेशंस हो रहे थे, तो वी वांटेड टू चेक फॉर द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी आल्सो ऑफ दैट ब्रिज, तो वो हमने वहाँ पे इस्तेमाल की। इवन दो वी फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रोड, और उसमें कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है, दो ब्रिज हैं एक साइड दो साइड से साइमल्टेनियसली चल, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी यूज दैट मिलिंग मशीन, और हमने वो छोटी मिलिंग मशीन है, इट्स नॉट दैट रियल बिग वन, छोटी सी थी, सो इट टुक अस अ लिटिल बिट मोर टाइम, लेकिन वी गॉट इट रिमूव्ड। अभी भी दैट होल सरफेस इज स्टिल एक्सपोज्ड, वी हैव येट टू कवर इट अगेन। तो हमारी कोशिश रही है कि इसको किसी तरह से वैली में इंट्रोड्यूस किया जाए फुल फ्लेज्ड जी। तो वंस क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट काफ़ी है, समबडी हैज़ टू कम फॉरवर्ड इन्वेस्ट करने पैसे, तो वो मशीन ला के फिर आहिस्ता आहिस्ता, देखिए यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशंस इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, एंड यू हैव टू अपग्रेड योर सिस्टम, द एंटायर सिस्टम एक्चुअली, तो उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ज़रूरी, लेकिन मेरे हिसाब से इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से प्रॉबली इसमें कुछ बेहतरी आएगी इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है। यहाँ पर एक कॉलर है जिससे इससे पहले कि मैं अगला सवाल पूछूं, एक कॉलर है, ये कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तबरेज साहब आपको मुबारक है, आज आपने शौकत साहब को फिर रूबरू लाया है कि उसका ड्यूटी शेड्यूल बहुत बिजी होता है। सबसे पहले अपना नाम बताइए और अपनी जगह का नाम बताइए। गुलजार अहमद सोजी फ्रॉम सोपोर सर। जी गुलजार साहब सवाल पूछिए। शौकत साहब को और पूरी टीम को मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल। शौकत साहब तो सोपोर में रहे हैं, उसकी सारी पिक्चर आगे आएगी जी। पहला है कि सर जो महाराजपुरा जो ब्रिज बन रहा है, जो उसने पहले भी बताया एक साल में आपको कम्प्लीट करके दूंगे, हो गया एक साल तो होने लगा है। दूसरा हो गया हरमन रोड डाउन वेल बिगनिंग सोपोर से हरमन तक, ये खस्ता है, टोटली खस्ता है जी। और दूसरा है इधर इंडोर स्टेडियम इधर कॉलेज के साथ ही बनता है जी। उसके हो गए 6 साल, वो कंप्लीट नहीं होता है जी। हाँ इसी के बारे में मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने के लिए, जवाब सुन लीजिए। महाराजपुरा ब्रिज जो है वो JKPCC वो हमारा डोमेन नहीं है। नहीं डोमेन तो हमारा ही है, लेकिन एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी JKPCC है, तो उसमें कोई मसले थे एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के अकॉर्ड के, वो अब क्लियर हो गए और होपफुली उस पर काम शुरू हो जाएगा। दूसरी बात इन्हें कि रोड के बारे में, तो वो मैं देख लूँगा कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द रोड, वो चेक करानी पड़ेगी क्या इस टाइम क्या कंडीशन थी। जब मैं वहाँ एक्सीडेंट था तो शायद वो ठीक ठाक रोड थी, मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ डिटोरेशन हुई होगी। इंडोर स्टेडियम जो है वो तो हम वी वर
only the executing authority of that stadium when I was action there. तो मुझे नहीं पता है उस टाइम वो पेविलियन शेविलियन तो कंप्लीट था. अब ये किस चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि अच्छा इंडोर स्टेडियम, इंडोर का मुझे पता नहीं है, वो मैं चेक कराऊंगा. वो शायद स्पोर्ट्स अथॉरिटी कर रही होगी या क्या होगा, स्पोर्ट्स काउंसिल शायद देख रही होगी. जो खैर वो स्पोर्ट्स काउंसिल से ही हम किसी दिन सवाल पूछ के उनसे जवाब ले लेंगे. फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ, आइए कॉल लेते हैं. हेलो हेलो, वालेकुम सलाम. कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? गुलाम नबी सब सवाल पूछिए. मगर गंगबुकसिपलिटी मगर जिस तरह अगेन मैं वही बात कहूंगा कि इन्हें कह दिया कि एक जो नारकरा रोड है एक वो स्ट्रेच हो चुका है, स्ट्रेच ही नहीं कंप्लीट रोड हो चुका है. अब ये इंटरनल रोड्स की बात कर रहे हैं तो ये तो क्या वो इंटरनल रोड्स आरएनबी का डोमेन है? कुछ पोर्शन जो है बिकॉज दैट फॉल्स बियॉन्ड म्यूनिसपलिटी, कुछ रोड्स हमारे पास है, बाकी तो श्रीनगर म्यूनिसपलिटी को हो गई है. लेकिन ये मैं आई वुड लाइक टू से अगेन कि सब कुछ एक ही साल में नहीं हो सकता. इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट. हमारी जो बजट कंस्ट्रेंट्स होती है, हमारे एक सेट ऑफ बजट दिया गया है, उसमें जितना हम हर एक एरिया को कर सकते हैं उतना हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक एरिया में जो ज्यादा खराब है, जो मेन रोड है पहले तो हमारे वो पहले प्रायोरिटी है, उसके बाद फिर हम लिंक रोड पे आते हैं. जी बिल्कुल सही. एक तरफ हम देखते हैं कि मैग्नमाइज रोड्स होती थी, अब एक्सपेरिमेंटल बेस्ड कंक्रीट रोड्स का भी जो काम है वो शुरू हो चुका है. तो ये जो कंक्रीट रोड्स है इसमें और मैग्नमाइज रोड्स में क्या फर्क है? हम कंक्रीट की तरफ क्यों बढ़े हैं? नहीं, कंक्रीट रोड्स नॉर्मली जो है इनंडेटेड जो स्ट्रेचेस रहते हैं वहाँ पे ठीक रहती है, लॉन्गर लास्टिंग है. क्योंकि जहाँ पे इनंडेशन होती है वहाँ पे मैग्नम की जो है लाइफ कम रहती है. तो जो बड़े बड़े स्ट्रेचेस हैं जो आइडेंटिफाई किए गए थे 2014 के फ्लड के बाद, इसमें आईजी रोड का कुछ पोर्शन है, ये जो हमारा इकबाल पार्क का एरिया है, इसी तरह जो वेस्टर्न फोर शोर रोड है, ये काफ़ी देर मतलब बहुत जल्दी इनंडेट हो जाते थे. तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये प्रोजेक्ट लिया गया, सम पोर्शन ऑफ दोज सम स्ट्रेचेस वर टू बी डन इन सीमेंट कंक्रीट, और ये लास्ट ईयर से ही शुरू हुआ. तो अभी तक जो देखा गया है एरा पीपल हैव डन अ गुड जॉब ऑन दिस रोड. अब ये बाकी जगह भी करने की हम कोशिश कर रहे हैं, कोई एक आध रोड लेने की, लेकिन हमारे लिए सबसे प्रॉब्लम है क्योंकि एज यू नो दीज आवर रोड्स आर द कैरियर ऑफ एवरीथिंग. पीएचई पाइपलाइन भी चल रही है, इलेक्ट्रिक भी चल रही है, और हमारे पास उतनी कैरिज वे है नहीं कि वी हैव टेलीकॉम भी आता है वो भी इसी खुदाई कर देता है. यूटिलिटी शिफ्ट यहाँ पर और भी बात करेंगे, एक और सवाल मेरे जहन में, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ, आइए कॉल लेते हैं. हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम. कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जनाब हम खाग सिगिन से मुश्ताक अहमद बात कर रहे हैं. जी मुश्ताक साहब सवाल पूछिए. जी जनाब, यहाँ खाग से रोड जा रहा है द्रंग सितारन वाला रोड. जी जी सर, इसको दो तीन साल पहले हुआ था
अब साइड में सर इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसकी ड्रेन नहीं सर बनी है। जी ड्रेन के कारण सर बारिश में बड़ा पानी रोड में आता है और रोड भीग जाता है उस बारिश से और खड्डे बन जाते हैं। जी यहाँ सुगियन में यहाँ तकरीबन कम से कम कोई 300 फुट 400 फुट की बहुत जरूरत है इस ड्रेन की। जी यहाँ पे जमीन खिसक जाता है सर मेरा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल पूछा तो जो आपने जिस तरफ आपने इशारा किया है अपने रोड की बात ये की मैं है, चेक करूंगा उस पे जरूर चीफ इंजीनियर साहब चेक करवाएंगे और पता करेंगे कि मसला क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ये जो ये एक मसला है कि ड्रेन नहीं बनी है और ड्रेन बनने में डिले हो रहा है, तो फाइनली आरएनबी को रोड बनानी पड़ रही है क्योंकि पब्लिक बहुत तंग करती है। आप रोड बना देते हैं, फिर कुछ देर के बाद जो ड्रेनेज डिपार्टमेंट है उनके फंड्स रिलीज होते हैं, वो काम लगाते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्टर आता है और वो खुदाई कर देता है। इसको कैसे आप मैनेज करते हैं, ये कोऑर्डिनेशन क्यों इतना नहीं? पिछले 2-3 सालों से जी काफ़ी कोऑर्डिनेशन में काफ़ी बेहतरी आई है। हम रेगुलरली अपने काउंटर पार्ट से या जो डीसी साहिबान होते हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जब ये प्रोग्राम शोग्राम फाइनल होते हैं तो एक मीटिंग में ये आपस में ये डिसाइड होता है कि उन्हें क्या करना है और फिर सबसिक्वेंटली हमने क्या करना है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि लास्ट 2-3 साल में अब कहीं इमरजेंसी हो गई, जैसे मैंने कहा आपका कि पीएचई की पाइपें जो हैं वो सारे हमारे इसमें रोड में चलती हैं, तो कहीं पे बर्स्ट हो गई पाइप या कहीं लीकेज हो गया तो वो तो रेस्टोर करना है, या कहीं पे किसी महले में या किसी एरिया में पानी की कुछ शॉर्टेज होगी तो दे मे हैव टू कट द रोड एंड चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम और गिवन इमीडिएट नया कनेक्शन डालना पड़ता है। तो वो छोटी चीज़ें तो और उसके लिए भी वी दे अप्रोच अस फॉर परमिशन और उस तरह से तो थिंग्स आर मच बेटर देन प्रीवियस ईयर्स। एक मिला जुला एफर्ट है ऑल डिपार्टमेंट का, चाहे पीएचई हो, इलेक्ट्रिकल हो, हमारा हो, तो एक काफी। और ऐसा भी हो सकता है जोकर साहब कि जब एक रोड बननी है जिसका लाइफ स्पैन 3 साल का है, जो 3 साल एक कॉन्ट्रैक्टर ने मैनेज करनी है वो रोड, उसने उसकी देख रेख करनी है, उसका पूरा देखना है कि उसकी कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, ये 3 साल के लिए रोड बनती है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये रोड बनने से पहले सभी डिपार्टमेंट की एक मीटिंग हो जाए कि 3 साल तक ये रोड बन रही है तो अगर आपने कोई काम करना है तो पहले कर लें या फिर 3 साल उसको डिले करके 3 साल के बाद करें। बिल्कुल जी, अब जो नया काम होता है, नए रोड्स होते हैं, नया प्रोजेक्ट होता है, उसमें हम सबसे डिटेल लेते हैं, इलेक्ट्रिकल वालों से, पीएचई हो गया, मतलब आपने भी देखा होगा कहीं पे कोई सड़क पे चल रहे तो अचानक सा एक इलेक्ट्रिक पोल खड़ा है बीच में जी, कैरेज वे में खड़ा, मे बी बिकॉज वी डिडंट हैव द इनफ रिसोर्सेज या पैसा नहीं था टू रिमूव दैट लाइन या एनवेसेज नहीं किया गया। तो उस हिसाब से अब जो भी प्रोजेक्ट बनेगा उसमें ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डन फर्स्ट बिफोर टेकिंग अप द प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट, रोड का प्रोजेक्ट तब तक शुरू नहीं होगा जब तक उसके बाकी सारे डिपार्टमेंट का काम मुकम्मल ना हो गया, क्योंकि ये फिनिश है जी, ये बाद का सबसे लास्ट का काम है टू मैक्सिमाइज दैट रोड। हमारी कोशिश अब रहती है कि इंटर डिपार्टमेंटल जो इश्यूज हैं वो भी डिपेंडिंग अपॉन कोऑर्डिनेशन थोड़ा बेटर हो जाए। बिल्कुल सही। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ, ये कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? बशीर अहमद बोल रहा हूँ, जाफरान कॉलोनी से। बशीर साहब सवाल पूछिए। सर हमारा एक रोड है, यहाँ से जब मेन रोड जाता है श्यामपुरा बालामा रोड जी, तो इसकी कनेक्शन पिछले 5-6 साल से इतनी वर्स्ट है, इसका कोई नहीं पूछने वाला है जी। 2 साल से हम यही सुन रहे हैं कि इसका मैग्नेटाइजेशन होने वाला है, नहीं हो रहा है जी। तो पता नहीं हम किस जंगल में यहाँ पर बसते हैं, कोई हमें सुनने वाला नहीं है। बशीर साहब आपका एक है कि हमारा एक लिंक रोड जाफरान कॉलोनी से पांपुर जाता है जी, तो उसका आधा पोर्शन आरएनबी पुलवामा के साथ आता है, उनने मैग्नेटाइजेशन किया है उसका जी। जो हमारा पोर्शन है उसको कोई नहीं पूछता, वो आरएनबी डिवीजन फर्स्ट को आता है वो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हो जाएगा, 3-4 साल से यही बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब सवाल पूछने के लिए, और जो आपने बात कही है कि आपके जो रोड्स की है कंडीशन बहुत खराब और सुनने वाला कोई नहीं है, नहीं, सुनने वाले बैठे हैं यहाँ पर और वो आपकी बात सुन रहे हैं
और जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व जरूर किया जाएगा। अब डिपेंड करता है कि रोड किन की है। इस रोड में मैं बात करूंगा सर, ये हमारा एक प्रोजेक्ट है सीआरएफ के अंडर, ये पांडा चौक से खुलमू और रिटर्न में वाया ये जाफरान कॉलोनी से बालामा से होते हुए बालामा तक जी। तो हमने ये शुरू किया पांडा चौक में, खुलमू तक तो हमने कर दिया जी। अब यहाँ से हमने शुरू किया था, वहाँ पे अगेन इन्हें पूरी बात नहीं की, एक पीएचई की पाइपलाइन शिफ्ट करनी है, तो उसमें कुछ पैसे हमने रिलीज भी किए उनको, उसमें थोड़ी सी देर लग रही है। अब ये जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा हमें पूरा कॉरिडोर नहीं मिलेगा। कुछ हमने लास्ट ईयर कुछ उसमें मेटलिंग भी कराई थी थोड़ा सा इनको रिलीफ देने के लिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है ये इस साल हम कंप्लीट करें इंशाल्लाह, सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी की इसमें एक तो वो पीएचई की पाइप शिफ्ट होनी है, बिल्कुल सही, और इसमें जो है कुछ फंड्स का भी कुछ प्रॉब्लम थी, बहुत तो वो भी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक कॉल, आखिरी कॉल लेते हैं आज के प्रोग्राम का, ये बट साहब हैं दिल्ली से, आइए कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, आदाब बट साहब, आदाब। हाँ अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं इंजीनियर साहब से ये डायरेक्टर क्या, मैं लेट हुई टीवी ओपन किया जी। हाँ हाँ हाँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी भी है, हम एडमिनिस्ट्रेशन पर ही नहीं रखना चाहते जी। लोगों को भी देखना चाहिए, ये उनका अपना रोड्स है अपनी सुविधा के लिए, दे शुड लुक आफ्टर देमसेल्फ, जैसे फॉरेनर कंट्रीज वहाँ लोग देखते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सारा एडमिनिस्ट्रेशन पर रखते हैं, बट द पीपल शुड ऑल्सो ड्राइव वेरी नाइसली, दे शुड गो, बड़ी बड़ी गाड़ियां आती फिर होता है डिस्ट्रक्शन। हाँ, दूसरा ये मैकेडमाइजेशन होती है, वो मेरे ख्याल में आजकल डेवलप बहुत अच्छा होता है, द डेवलपमेंट वर्क इज वेरी नाइस गोन रादर देन इन पोस्ट टाइम पास्ट टाइम, मेरे ख्याल में जो आजकल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करे। हाँ, कोई कोई कमी है, लोगों के लिए सुविधा होनी चाहिए, मगर जो ब्लास्ट होती है अंडर द पाइप वो ज्यादा खराब करती है। बिल्कुल सही, अब एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए, वो भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, बट साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैं माफी चाहूंगा आज बट साहब की कॉल हम पूरी नहीं ले पाए क्योंकि वक्त की कमी है। मैं शौकत साहब से सिर्फ इतना सा जानना चाहूंगा, क्या ऑल्टरनेटिव कोई हमारे पास है अदर देन मैग्नमाइजिंग ऑफ रोड्स इन कश्मीर? नहीं, मैग्नमाइजेशन मैं ही ऑल्टरनेटिव जी, जैसे वेस्ट प्लास्टिक्स का इस्तेमाल, जैसे कोल्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जी, तो ऑप्शंस हैं। क्या ये कहीं पर ये ऑप्शंस कर रहे हैं सर? पीएमजीएसवाई में दिस न्यू टेक्नोलॉजीज आर बीइंग ट्राइड एट वेरियस प्लेसेस, अभी आरएनबी नहीं कर रहा है लेकिन पीएमजीएसवाई में कुछ काम पे न्यू टेक्नोलॉजीज आर बीइंग, और उसका जो है बाज़ाबता मॉनिटरिंग होती है, एक टीम जाती है एनआईटी से जाती है, दे लुक इनटू दैट हाउ इट हैज बिहेव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अपना रिपोर्ट देती है, और मे बी आफ्टर अ फ्यू इयर्स वी विल आल्सो बी आरएनबी में भी आहिस्ता आहिस्ता दीज इनोवेशन तब होंगे वंस दे आर डीम्ड टू बी सक्सेसफुल। शौकत साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी की वजह से हम बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाए, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द हमें फिर मौका मिलेगा, आपको एक बार फिर दावत देंगे और फिर बात करेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे शौकत जिलानी पंडित साहब, चीफ इंजीनियर आरएनबी, जिनसे आज हमने बात की। हमें उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपने पसंद फरमाया होगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले एपिसोड में आपसे करेंगे मुलाकात। जब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज़।